आज हम ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें एक लड़का प्यार का भूखा होता है। उसको अपने पार्टनर से अलग तरह का प्यार चाहिए होता है। ये मूवी का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में आपने देखा था, एना और ग्रे को पहली मुलाकात में एक दूसरे से प्यार हो गया था। फिर हर मुलाकात पर दोनों एक दूसरे से करीब होते गए और दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। फिर एक दिन ग्रे ने दोनों के बीच एक एग्रीमेंट किया, जिससे एना खुश नहीं थी और नाराज होकर ग्रे की जिंदगी से दूर चली गई। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो जाके पहले वो देखे, फिर वापस यहाँ आए। एना की किस्मत ग्रे को छोड़ के चमक गई। एक अच्छी नौकरी है और बॉस जैक के साथ अच्छी बनती है। एना खुश तो है, मगर कभी ग्रे की याद आती तो उदास हो जाया करती, कभी उसको याद करके परेशान होती। लेकिन एना अपनी जिंदगी मजे से गुजार रही है। जैक का दिल एना के लिए धड़कने लगा है, मगर एना इससे थोड़ा दूर रहती है, इसको लिफ्ट नहीं कराती है। एक रात एना अपनी दोस्त की फोटो एग्जिबिशन में आई थी, यहाँ अचानक इसके सामने ग्रे आ गया। एना उसको देख के हैरान हो गई और दोनों एक दूसरे को देखते रहे। ग्रे एना के पास आया और कहा, तुमसे बात करनी है, मगर एना इतना कुछ होने के बाद बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी। ग्रे के बहुत मनाने के बाद एना बात करने को राजी हुई और दोनों बाहर निकल आए। बाहर निकलते ही ग्रे ने एना को जोर से पकड़ के चूम लिया। एना ने फौरन ग्रे को खुद से दूर किया। फिर दोनों ने बात करना शुरू की। ग्रे ने अपने किए की माफी मांगी और कहा, तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, अब हमारे बीच कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, हम दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन के रहेंगे, कोई मालिक और गुलाम अब से नहीं होगा। एना को इस बात पर यकीन करना मुश्किल था, मगर उसने ग्रे को एक और चांस दिया और वो एक रिश्ते में आ गए। ग्रे ने इस रिश्ते की शुरुआत का पहला गिफ्ट एना को दिया, जिसके बदले में एना ने उसको अपने होठों से प्यार दिया। इस गिफ्ट में एना को वो सभी गिफ्ट वापस मिल गए थे, जो वो नाराज होकर ग्रे को वापस दे आई थी। आज एना बहुत खुश थी। अब जब इन दोनों के बीच का एग्रीमेंट खत्म हो गया, तो एना कुछ अपने दिल के अरमान पूरे करना चाहती थी। अब एना ग्रे के जिस्म को छूना चाहती थी, उसके बदन को अपने हाथों से रंगना चाहती थी। ये पहले एग्रीमेंट के खिलाफ था, मगर अब एग्रीमेंट नहीं तो ग्रे को ये करना होगा। एना लिपस्टिक से ग्रे के बदन को आहिस्ता से छू रही है। ग्रे घबरा रहा है, सांसें जोरों से चल रही है, जैसे इसको तकलीफ हो रही हो। एना को अब यकीन हो गया, ग्रे बदल चुका है, वो एना से सच्चा प्यार करने लगा और एना भी उसको सच में चाहने लगी है। एना आज ग्रे की फैमिली पार्टी के लिए तैयार हो रही है। दूर से खड़े ग्रे एना की खूबसूरती को तक रहा है। एना के पास आता है और कहता है, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मगर और भी अच्छी लगोगी अगर नीचे ये पहन लो। एना कहती है, तुम ये सच में करना चाहते हो? जवाब आया हाँ। फिर ग्रे इन गेंदों को एना के मुंह में डाल के बाहर निकालता है और अब एना को झुकने कहता है और गेंदों को वही डालता है जहाँ तुम सोच रहे हो। वैसे मैं ये सीन नहीं डालना चाहती थी, मगर ये सीन आगे वाले सीन का हिस्सा है। दोनों अपनी फैमिली पार्टी में आते हैं और जैसा मैंने कहा था, एना ने ग्रे की बात मान के खुद को खतरे में डाल लिया था। सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे हैं और एना को वाइब्रेशन महसूस हो रही है। जब दोनों बॉल्स आपस में टकराती तो एना का मस्ती करने का दिल चाहता। कुछ देर बाद ग्रे एना को कमरे में ले आया और दोनों एक दूसरे से लिपट गए। और फिर आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो मजे ले लोगे, मगर YouTube मेरा पैसा रोक लेगा। बाकी आप समझदार हो, आगे क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, समझ गए होगे। अगले दिन एना घर पर अकेली है। ऐसे ही घर में घूमते हुए एना ग्रे के प्ले रूम में आ गई और कमरे की हर एक चीज को गौर से देखने लगी, करीब से हर चीज को उठाकर छू के देखने लगी। अचानक पीछे ग्रे आ गया और इसको देखने लगा। एना बेक पर अपना काम कर रही थी। जैसे ही ग्रे ने आवाज दी, एना डर गई और घबरा कर कहा, तुम यहाँ कैसे? ग्रे करीब आया और कहा, क्या तुम इनके साथ खेलना चाहती हो? एना ने यहाँ से एक चीज को उठाकर कहा, मैं इसके साथ खेलना चाहती हूँ।
ग्रे ने कहा, सच में ऐसा करना चाहती हो? एना इसके साथ खेलने के लिए बड़ी एक्साइटेड थी। ग्रे एना को मस्ती करते हुए प्यार से बेड पर पटकता है। एना को ग्रे का प्यार करना पसंद है, वो इस लम्हे में मजे कर रही है। ग्रे इस काम को अच्छी तरह करना चाहता है क्योंकि वो इसमें बहुत अच्छा है। ग्रे ने एना के दोनों पैर इस चीज से बंद दिए। अब एना थोड़ी नर्वस हो रही है, घबरा रही है, लेकिन इसको कुछ नया करने की बेताबी भी है। ग्रे ने दोनों पैर बंद कर इस चीज को और बड़ा कर दिया, फिर एना को और प्यार करना शुरू किया। एना इस प्यार को दिल से महसूस कर रही है और दोनों इस पल में खुश है। अगले दिन ऑफिस में एना का बॉस जैक एना से कहता है, न्यूयॉर्क में एक जरूरी मीटिंग है, तुमको मेरी असिस्टेंट बन के वहाँ मेरे साथ चलना होगा। मगर एना जैक के साथ जाने से मना करती है क्योंकि उसको जैक के इरादों पर यकीन नहीं है। इस बात का जैक को बहुत बुरा लगा। इस वक्त ऑफिस पूरा खाली था। जैक इस पल का फायदा उठाना चाह रहा था। वो दरवाजा बंद करके एना के करीब आया। अब एना जैक से घबराने लगी, उसको डर लगने लगा। एना ने यहाँ से भागने की कोशिश की मगर जैक ने पकड़ लिया। जैक एना के साथ हरामखोरी कर रहा है, उसके करीब आते जा रहा है। एना इससे घबरा रही है, इसको कुछ ठीक नहीं लग रहा। जब जैक कुछ ज्यादा ही करीब आके एना को छूने लगता है तो एना जैक को धक्का मार के नीचे की तरफ भागती है। जैसे ही बिल्डिंग के बाहर आती है तो ग्रे उसको सरप्राइज करने बाहर खड़ा था। वो एना को ऐसी हालत में देख के डर गया और फौरन अपने गार्ड को जैक को मारने भेजा। इस हादसे के बाद ग्रे ने कंपनी खरीद ली और जैक को नौकरी से निकाल दिया और उसकी जगह एना को मिल गई। नौकरी मिलने की खुशी में ग्रे और एना डिनर पर आए हैं। अचानक ग्रे एना से कहता है, एना अभी अपनी इनरवियर उतार दो। एना घबराते हुए कहती है, यहाँ सबके सामने कैसे उतार सकती हूँ? मगर ग्रे की खुशी के लिए वो उसका कहना मान लेती है। एना अपने आसपास देखती है, फिर धीरे से हाथ नीचे ले गई और कुछ ही देर में उसने अपनी इनरवियर उतार दी। ग्रे एना को इस हालत में देख के खुश हो रहा है। एना उसको खुश देख के खुद भी अपने काम से खुश हो रही है। अब दोनों लिफ्ट से नीचे जा रहे थे मगर ग्रे कभी अपनी शरारत से बाज नहीं आता। वो शू के लेस बनाने के बहाने नीचे बैठ गया और अपना हाथ धीरे से एना के पैर पर रखा और आहिस्ता से पैर पर फेरते हुए ऊपर की तरफ ले आया। जब ऊपर आया और एना को वाइब्रेशन महसूस हुई तो हल्की चीख निकली। फिर एना मचलने लगी, उसको एक्सट्रीम वाइब्रेशन होने लगी। एना खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। ग्रे की उंगलियों का जादू उसको बेकाबू कर रहा था। एना अपने इमोशंस को और आवाज को कंट्रोल नहीं कर पाई। आसपास खड़े सभी लोग समझ गए थे इन दोनों का क्या चल रहा है। अब एना ग्रे के घर शिफ्ट हो रही है तो अपने घर अपना कुछ सामान लेने आई है। बाहर ग्रे इंतजार कर रहा है। एक लड़की एना के पीछे खड़ी है। जैसे ही एना पीछे मुड़ी तो इस लड़की को देख के डर गई। ये लड़की पहले ग्रे के साथ अग्रीमेंट में थी, ये उसकी गुलाम थी। ग्रे इसके साथ मालिक बन के रहता था जैसे पहले एना के साथ रहता था। ये लड़की हैरान है, एना से ग्रे को प्यार कैसे हो सकता है जबकि वो तो सिर्फ दर्द देता है, गुलाम बना के रखता है। ये एना को मारने आई है। अचानक ग्रे शोर सुन के कमरे में आया और सामने लैला को देख के हैरान हो गया। उसकी आंखों में देखा और उससे गन अपनी तरफ करने को कहा। वो फौरन ग्रे की तरफ हो गई, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा और लैला के हाथ से गन ले ली और कहा, अपने घुटनों पर बैठ जाओ। इतना सुनते ही लैला फौरन घुटनों पर बैठ गई। ग्रे उसके सर पर हाथ रख कर फेर रहा था। दूर खड़े एना ये सब देख के हैरान हो रही थी। उसके दिमाग में चल रहा है, वो जिससे प्यार करती है उसको ये सब करना पसंद है। एना कहती है, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, जो तुम्हें पसंद है मैं वो तुम्हें कभी नहीं दे सकती। मैं कभी लैला की तरह तुम्हारी गुलाम बनकर जिंदगी नहीं गुजार सकती। ग्रे कहता है, मैं अब बदल चुका हूँ। प्यार की भीख मांगने एना के पैरों में गिर गया, उसकी जिंदगी से ना जाने की भीख मांगने लगा। ये देख कर एना के दिल में तकलीफ हुई और दिल नर्म पड़ गया। वो कहती है, मैं तुमसे डर गई थी, मुझसे वादा करो कभी ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे मुझे तकलीफ हो।
ग्रे कहता है, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, मैं वादा करता हूँ कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अबैना को ग्रे की बातों पर और उसकी आंखों पर यकीन हो गया। वो फौरन उसके होठों को अपने होठों से मिला लेती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब दोनों एक दूसरे की गलतियों को माफ कर चुके, अपने अतीत को भुला चुके और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। आज ग्रे अपनी बर्थडे पार्टी में सबके सामने अनाउंस करता है, वो ऐना के साथ जल्द से जल्द शादी करना चाहता है। ये अनाउंसमेंट सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। ऐना और ग्रे भी अब अपनी जिंदगी का नया हिस्सा लिखना चाहते हैं। कुछ ही देर बाद ग्रे ऐना को उठाकर एक खास जगह लाता है। ऐना को कुछ नहीं पता है आगे क्या होने वाला है। दोनों एक हॉल में आते हैं। यहाँ अंदर हर तरफ अंधेरा हो रहा है। ग्रे लाइट ऑन करता है। हर तरफ फूल बिछे हुए हैं, बहुत ही सुंदर सजाया हुआ है, हर एक चीज बहुत खूबसूरत लग रही है। ऐना धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जा रही है और उसके चेहरे पर खुशी है। जैसी ही वो पीछे मुड़ी, ग्रे के हाथ में अंगूठी है। वो अपने घुटनों पर बैठकर ऐना को प्रपोज करता है। ग्रे कहता है, तुम मुझसे शादी करोगी? जवाब आया, हाँ करूंगी। दोनों इस लम्हे को खास बनाते हैं और साथ में प्यार करते हैं। आसमान में शोर हो रहा है, इनकी शादी की आतिशबाजी हो रही है। यहाँ सभी इस शादी से खुश है और एक नई शुरुआत होने वाली है। दूसरी तरफ जैक को अपनी बेइज्जती और नौकरी छीन जाने का बदला ग्रे और ऐना से लेना है। ऐसी और वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दो।